हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना जलेबी खाने को मन कर रहा था इवनिंग में, तो मैंने बनाई जलेबी। तो एक कटोरा मैंने मैदा लिया और उसमें डाला एक पैकेट इनो का। तो आप इनो की जगह सोडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इनो और यहाँ पर 2 चम्मच मैंने घी डाला और इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसको मैं आप अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। और पानी की जगह आप दूध भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। और ज़्यादा गाढ़ा और थोड़ा ज़्यादा पतला भी इसे नहीं बनाना है। और यहाँ पे मैं अब जो घोल होता है उनका चाशनी होती है वो बना रही हूँ। एक कटोरा चीनी लेके एक कटोरा ही पानी डालना है। जितनी मैंने चीनी ली उतनी ही मैंने पानी डाला है। और इसमें कुछ दाने इलायची के डाल दूँगी और उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। तो फूड कलर मैंने ऑरेंज कलर का डाला था, तो उसमें डालने में मुझे येलो दिख रहा था वो, लेकिन मैंने ऑरेंज कलर का डाला था फूड कलर। तो इस तरह से दिख रहा है येलो और बहुत ही टेस्टी बनी थी। हाँ, बस मेरी शेप जो है ना, जलेबी की जो शेप होती है वो नहीं बनी थी और बाकी अच्छे से बनी थी। और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है। आप उसकी जगह घी भी डाल सकते हो, घी में भी आप फ्राई करके बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। तो इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब जो हमने जिसमें जलेबी बनाने जिससे, तो वो मैं अब तैयारी कर रही हूँ उसकी। तो यहाँ पे दूध की एक पॉलीथीन थी, मैंने उसमें जो है जलेबी बनाई है उसमें डाल के, तो इस तरह से डाल रही थी। और यहाँ पे मेरी जलेबियाँ बन के रेडी हो रही है। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैं इसको चाशनी में डाल दूँगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे बाज़ार की होती है बिल्कुल वैसे ही, बस शेप नहीं है। ठीक है, शेप पे हंसी मत करना। और शेप नहीं बनी, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में मेरी शेप अच्छी नहीं बनी, लेकिन जब बाद में मैं बनाने लगी थी लास्ट में, तो बहुत अच्छी अच्छी शेप बनने लग गई थी बिल्कुल जलेबी जैसी। लेकिन मैं वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे खाने में वो हो रहा था, क्योंकि लास्ट में मैंने ही खाई थी। तो सबको खिलाने के बाद लास्ट में मैंने खाई, तो बहुत अच्छी शेप बनी थी और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और शुरू स्टार्टिंग में तो शेप मेरी बहुत बेकार बनी थी, लेकिन जलेबी बहुत टेस्टी बनी। सब ने पेट भर के खाई जलेबियाँ। बाहर से लाओ तो 100 रुपये की जलेबी लाओ तब भी कम पड़ जाती है, लेकिन घर में एक कटोरी मैदे से ही मैंने बहुत सारी जलेबी बना दी थी। तो ये है। और चलिए अब हस्बैंड का रिएक्शन देखते हैं। अच्छा चल, फिर देखते हैं। अगर कल गाड़ी में रख के कल गाड़ी में आएंगे, गाड़ी में रख के ले भी आएंगे। कैसी हो रही है? बहुत जबरदस्त। शेप नहीं आ रही यार, लेकिन थैंक यू, अच्छी लग रही है ना, करारी हो रही है। कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है बताओ पहले मम्मा को। इधर देखो कैसे हो रहा, अच्छा हो रहा, गंदा अच्छी हो रही है।